Dear students, our today's topic is The Tempest, a play by William Shakespeare. सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेक्सपियर कौन है. शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर. ही हैज रिटन 37 प्लेस एंड 154 सोनेट्स. Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. His era is called Elizabethan era, or you can call it Renaissance. And Elizabethan era is also called Shakespearean era because Shakespeare made such a landmark in drama that that era was dominated by the drama. By the genre of literature, drama. So, Shakespeare wrote 37 plays, but this Tempest is the last play of Shakespeare. It was written in 1610, and first time it was staged or published in 1623. It was published in 1623. As it is coming on your screen, it is a comedy. And it is also a romance comedy. Comedy se bacche kya murad hai? Comedy is a play that ends on a happy note. But this play is basically called a tragic comedy. Tragic comedy se kya murad hai? The genre of literature, the genre of drama, in which the tragic elements are intermingled with the comic elements. इसमें बच्चे कॉमेडी के साथ साथ कुछ न कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं. The mixture of tragedy as well as comedy. Tragedy और कॉमेडी का जो मिक्सर है ये बच्चे क्या कहलाता है? ट्रेजाई कॉमेडी. It is also called romantic drama or romance. It is also called a fairy tale. Fairy tale किस लिए से कहा जाता है? क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा मैजिक का यूज किया गया है, जादू की बात है, स्पिरिट्स इसके अंदर मौजूद है, इसमें लव है, इसमें एनमिटी है, इसमें रिवेंज है, इसमें फॉरगिवनेस है. ये तमाम चीजें हमारे शेक्सपियर के प्ले में पाई जाती है. अब हम बात करते हैं अपने कैरेक्टर्स के. हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो है प्रोस्पेरो. प्रोस्पेरो प्रोस्पेरो बेसिकली वाज द ड्यूक ऑफ मिलान. बुनियादी तौर पर बच्चे ये मिलान का ड्यूक था, बट ही हैड ग्रेट लव फॉर नॉलेज. ही हैड ग्रेट लव फॉर बुक्स. वो इतना ज्यादा अपनी बुक्स में इन्वॉल्व रहता था कि ही डिडंट पे मच अटेंशन टू द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट और द अफेयर्स ऑफ ड्यूकडम. उन मामलात को उसने इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी. दैट्स व्हाई ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम द ड्यूकडम. एंड व्हेन वी मीट हिम फर्स्ट टाइम He is basically, जब हम इसे मिलते हैं, he is basically living in an island, on an island. वो बच्चे एक island पे जिंदगी गुजार रहा है, और he is practicing magic. He has become a strong magician now, and he is practicing magic. अब बच्चे वो magic को practice कर रहा है, और he has been living on this island for the last 12 years. पिछले 12 साल से इस आइलैंड पे रह रहा है. अब ये हमारा पहला कैरेक्टर है बच्चे प्रोस्पेरो. सेकंड हमारे पास क्या है जी? मिरांडा. मिरांडा इज अ यंग गर्ल एंड शी इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो. ये जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है प्रोस्पेरो, उसकी ये बेटी है. और मिरांडा भी जब ये
प्रोस्पेरो यहाँ पे आया था, आइलैंड पे आया था, तो मिरांडा भी इसके साथ आई थी. सो शी ऑल्सो हैज बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 12 इयर्स. और सबसे बड़ी बात यह है बच्चे, दैट शी हैज नेवर मेट एनी ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट हर फादर. अपने वालिद के अलावा वो किसी को भी नहीं जानती है, किसी से मिली नहीं आज तक, किसी ह्यूमन बीइंग से. कुछ चीजों, कुछ ऑब्जेक्ट्स को वो जानती है, और जिनसे उसकी जान पहचान है वो बुनियादी तौर पर स्पिरिट्स है. स्पिरिट्स हैं जिनको उसके वालिद ने काबू किया हुआ है. एक एरियल है और दूसरी कैलेबन है. थर्ड जो बच्चे हमारा कैरेक्टर है उसका नाम है एरियल. एरियल इज बेसिकली अ स्पिरिट. बुनियादी तौर पर जिस आइलैंड पे प्रोस्पेरो और मिरांडा रह रहे हैं वहां पे एक विच का, एक चुड़ैल का राज था जिसका नाम था साइकोडेक्स. जब ये यहां पे आया प्रोस्पेरो, तो इसने साइकोडेक्स को डिफीट किया अपनी मैजिकल पावर से, उसे मार डाला. तो उसने बहुत सारी जो स्पिरिट्स थी वो कैद की हुई थी, उनको इसने आजाद कर दिया और आजाद करके अपना गुलाम बना लिया. एरियल भी उनमें से एक है. और एरियल के साथ इसने ये प्रॉमिस किया है कि अगर तुम मेरे सारे काम, मेरी सारी बातें मानोगी, मेरे बात मानोगे, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा. सो एरियल हैज बीन शोन एज प्रोस्पेरोस मेन हेल्पर. Whenever he wants to do a thing, he orders Ariel to do that, and he does it for him. वो उसके लिए ये तमाम काम करती है ये जो spirit है. Next बच्चे हमारा जो character है वो है Caliban. Caliban is also a spirit. In fact, he is a monster. He is half human and half monster. He is also the son of Psychorex. ये उस चुड़ैल का बेटा है, that is dead now, जो कि अब मर चुकी है. तो Caliban basically is not a good spirit. He is a negative sort of character. He is very frustrated and negative-minded. वो दूसरों के दिल में जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव लाने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो साइकोरेक्स का बेटा है तो वो Caliban से अपने Caliban जो है वो प्रोस्पेरो से इंतकाम भी लेना चाहता है. He wants to take revenge from Prospero. अब क्योंकि वो मैजिशियन है तो वो खुद तो इंतकाम नहीं ले सकता, लेकिन वो एट ऑल द टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट इट. कोशिश पूरी कर रहा है, सोच भी रहा है और प्लानिंग करने की भी कोशिश करता है. बच्चे प्ले में Caliban जो है वो इतना नेगेटिव कैरेक्टर है कि he also tries to रेप मिरांडा. वो मिरांडा का रेप करने की भी कोशिश करता है. तो नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है फर्डिनेंड. अब फर्डिनेंड कौन है, थोड़ी सी स्टोरी आपको थोड़ी सी बताते हैं, उसके बाद समरी में डिटेल में बात करेंगे. ये जो फर्डिनेंड है बच्चे, ये अलोंसो का बेटा है. अब अलोंसो कौन है आप पूछेंगे. अलोंसो बच्चे, अलोंसो जो है ये किंग ऑफ नेपल्स है, नेपल्स का बादशाह है. और ये वो पर्सन है जिसने प्रोस्पेरो को एग्जाइल करने में प्रोस्पेरो के भाई एंटोनियो की हेल्प की. तो मुराद ये है कि ये जो अलोंसो है, अलोंसो ये बुनियादी तौर पर प्रोस्पेरो का दुश्मन है. तो ये जो फर्डिनेंड है ये प्रोस्पेरो के दुश्मन का बेटा है. फर्डिनेंड इज द सन ऑफ किंग ऑफ नेपल्स अलोंसो एंड आल्सो द हायर ऑफ अलोंसो. डेफिनेटली उसका जानशीन है, उसका वारिस है. फर्डिनेंड एक यंग बॉय है और बहुत ही ज्यादा हैंडसम है.
जैसे ही वो यहाँ पे आता है आइलैंड पे और मिरांडा इसे देखती है तो शी फॉल्स इन लव विद हिम, वो उससे मोहब्बत करने लग जाती है। ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर। फिर बच्चे हमारे पास है गुंजालो। गुंजालो भी हमारा एक कैरेक्टर है और ये एक गुड कैरेक्टर है। गुड कैरेक्टर इस सेंस में बच्चे के ये वो इंसान है जिसने प्रोस्पेरो की, जब प्रोस्पेरो और मिरांडा को एक शिप के अंदर डाल दिया गया और उनको एक्साइल कर दिया गया, एक्साइल करने के लिए भेज रहे थे, तो इसने छुप छुपा के उसके लिए फूड, वाटर और उसकी जो मैजिकल बुक्स थी ये उस शिप में रखवा दी, ताकि ये इतनी वो इसकी हेल्प कर सकता था जितनी उसने अपनी हेल्प उसकी हेल्प कर दी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर उसका फ्रेंड है। अब बच्चे बाकी जो दो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उसमें एक एंटोनियो है, ये एरो आप देख सकते हैं एंटोनियो। एंटोनियो कौन है बच्चे? एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई है। यही वो आदमी है जिसने प्रोस्पेरो को ड्यूक से खत्म करवाया है और उसकी जगह खुद ड्यूक बन के बैठा है। एंटोनियो ने इतना जरूर किया कि उसने अपने भाई को जान से नहीं मारा, लेकिन उसे एक शिप में बिठा के और उसे एग्जाइल कर दिया और आइलैंड में उसे जाके छोड़ दिया। फिर बच्चे इसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है, अभी हम बात कर रहे थे अलोंसो, उसका एक भाई है जिसका नाम है सेबेस्टियन। तो अलोंसो, ये हमारे पास अलोंसो है बच्चे, आप देख रहे होंगे एरो को। अलोंसो जो है, जिस तरह ये आपको पता है कि अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स है और इसने हेल्प की थी एंटोनियो की कि वो ड्यूक बन जाए ऑफ मिलान का। इसका जो भाई है सेबेस्टियन, उसके भी ऐसे ख्वाहिशात है और एंटोनियो उसे भड़का भी रहा है, उसे इंसाइट कर रहा है, उसे एक्साइट कर रहा है, उसे इंसाइट कर रहा है बुनियादी तौर पे कि तुम भी ऐसे ही करो, अपने भाई को कत्ल कर दो और खुद तुम किंग ऑफ नेपल्स बन जाओ। तो ये वो तमाम हमारे कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ हमारे, वैसे तो ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, कुछ ये माइनर कैरेक्टर्स भी है जिसमें ट्रिंकलो है और स्टेफेनो है, ये भी हमारे पास मौजूद है। इनके हिसाब से भी एक दो वाकयात ऐसे हैं जो काबिले जिक्र। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने डिटेल में बयान किया है। नेक्स्ट जो है बच्चे वो हम इसकी समरी करेंगे।